उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक युवक ने मस्जिद में घुसकर मौलाना साहब को गोली मार दी। गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मस्जिद के मौलाना के गोली लगने से मौलाना साहब घायल हो गए, जिनको आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटनाक्रम मेरठ के लिसाड़ी गेट का है। रविवार को सुबह एक युवक मस्जिद के अंदर आता है और उसके हाथ में एक तमंचा होता है। इसी दौरान वो मौलाना नईम पर तमंचे से वार करके और आरोपी तमंचे को फेंक कर निकल जाता है। गोली लगने से मौलाना नईम घायल हो जाते हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में मिलन पैलेस के पास मस्जिद है। मौलाना नईम रविवार सुबह मस्जिद में बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। इसी बीच एक युवक वहां पहुंचता है और मौलाना को देखकर उन पे फायर कर देता है। इसी दौरान गोली लगने से मौलाना घायल हो जाते हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक तमंचा वहीं फेंक कर निकल गया। बताया जा रहा है कि गोली की आवाज सुनकर लोग पहुंचे और लहूलुहान मौलाना को अस्पताल ले गए। कुछ लोगों के मुताबिक मारने वाले युवक का नाम सरताज बताया जा रहा है। एसपी सिटी आयुष विक्रम के मुताबिक हमलावर की तलाश की जा रही है। मस्जिद के भीतर तमंचा बरामद किया गया।